खरगोश और उसके कान। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ा जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसके नुकीली सिंगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सिंगों वालों जानवर के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सिंग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाएं। यह घोषणा सुनकर बेचारे सिंग वाले जानवर क्या करते। सब में शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की यह घोषणा सुनी तो डर के मारे सारे रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सिंह वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उसमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपने लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि मेरे लंबे कानों को शेर सिंह न समझ ले। यदि उसने ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। कहानी से सीख, समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई अवसर न दिया जाए कि वह आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सके।